हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे कि वेब किस वेबसाइट पर हेडर कोड और फुटर कोड कैसे लगाते हैं। ठीक है, आपको सिखाएंगे वीडियो में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट के चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर से लाइक करें। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वेब की जो साइट ओपन कर ली है, नेट ओपन ऑन कर लेता हूँ मैं। तो आपको सर्च करना है वेब किच। ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में हमारी जो साइड है ओपन हो चुकी है। पैनल मोड पर क्लिक करेंगे, जो लिखा आ रहा है पैनल मोड पर क्लिक करेंगे। पैनल मोड पर क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना है हेडर कोड। ठीक है, ये हेडर इस पर यहाँ पर क्लिक करें तो देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो इस टाइम ये लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको लगाने के लिए हमारा हम ये कोड है हमारा। ठीक है, बी वाला। ठीक है, ये ए वाला है और ये है बी वाला। ठीक है, इस कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और इसमें ही आपको फोटर का कोड मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेंजिंग करना है अपना नाम, जो नाम है ये आपको चेंजिंग करना है। ये मेरा नाम है इस टाइम पे, तो आपका अपना नाम या फिर वेबसाइट का आपको लिख देनी है। और ये है हमारा दूसरा कोड बी। ठीक है, बी में हमारा ये है साइट का नाम, ये लिख रहा डी जे, तो ये लिख रहा। ठीक है, डी जे ये लिख रहा है, ये डी जे। और ये हमारा नाम है यहाँ राजकमल। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको डॉट कॉम या डॉट इन देखने को मिलेगा। कलर है यही रहा, डॉट इन है। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो कोड लगाने के लिए आपको सिंपल सा मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ ये कोड जो है हमारा। मैंने डिलीट कर दिया और आप मैं व्यू कर पर क्लिक करके देख सकते हैं आप कि हमारी साइट जो है इस टाइम पे ऐसी हो चुकी है। और अब मैं कॉपी करूँगा ये वाला कोड, ये वाला, यहाँ से एक भी कोड मिस नहीं होना चाहिए या नहीं तो आपकी जो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आप कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद में कॉपी करके आपकी वेबसाइट में जाएँ और यहाँ पर आइटम पर जाएँ। आइटम पर क्लिक करने बाद पेज पर क्लिक करें, उसके बाद में HTML टैग कोड पर क्लिक करें, गो पर क्लिक कर दें और ये जो बॉक्स है यहाँ पर पेस्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद में ओके पर क्लिक करने बाद व्यू पर क्लिक करके देखेंगे हम कैसे दिखे हमारी साइट। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी साइट जो है कुछ इस तरीके से है, दिख रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया हेडर कोड। अब हम फुटर कोड लगाएंगे। फुटर कोड लगाने के लिए हमें -1 -2 में जाना होगा। ठीक है, -2 जंप। ठीक है, सॉरी -2 जंप। इसके बाद में देख सकते हैं ये हमारा कोड लग रहा है। ठीक है, इस कोड को लगाने के लिए आपको ये कोड है। ठीक है, ये कोड भी आपको यहीं पर से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग करना होगा। मैं इसको आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं -0 में दिखाता हूँ मैं आपकी साइट, मेन जो साइट हमारी कैसे दिखती है। तो देख सकते हैं आप जो इस टाइम पे जो है हमारी इस तरीके से दिख रही है। अब हम फुटर कोड को लगाने के लिए -2 में जाएंगे। ठीक है, -2 जंप। और देख सकते हैं आइटम पर क्लिक करेंगे और पेज पर क्लिक करेंगे, HTML टैग कोड पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे। और अब जो मैंने कोड दिया है आपको आपको चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो अपना वेबसाइट का URL है वो देना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में फेसबुक का जो URL है वो यहाँ पर देना है आपको। उसके बाद में व्हाट्सअप का नंबर जो है आपको व्हाट्सअप नंबर देना है अपना अपना यहाँ पर। ठीक है, नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपको यहाँ फेसबुक
फेसबुक पेज का आपको देना है, दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में जो आपका जो है नाम वगैरह चेंजिंग करना होगा, ठीक है, जो भी है, जहाँ पर मेरा नाम है वहाँ पर अपना नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद में कॉपी करता हूँ, सारे को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके फिर वेब पेज में जाएंगे और यहाँ पर जो है बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। ओके पर क्लिक कर दें, व्यू पर क्लिक करके देखते हैं हम कैसे दिखते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे देख रही है हमारी साइट, -1 0 करता हूँ मैं, 0 खाली, देख सकते हैं ये हमारी साइट इस तरीके से देख रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ऐप की वेबसाइट बना के उस पर हेडर और फुटर कोड लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। वेब की वेबसाइट से संबंधित और भी हम वीडियो लाएंगे, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें। चैनल पर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।